जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता के सेकंड चैप्टर सांख्य योग में। फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग में हमने देखा कि किस प्रकार संजय, जो कि महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर महाभारत के युद्ध की सारी घटना के बारे में बता रहा है। लगातार अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है और उसके पहले की जो भी घटनाएं हुई थी संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहा है कि क्या क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है। संजय के पास दिव्य दृष्टि है जिसके जरिए पृथ्वी पर हो रही किसी भी घटना को वह देख सकता था, और जो कि महाराज धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे इसके लिए वह सारी घटनाएं उन्हें सुना रहा है लगातार। और ये भी देखा हमने कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पहले कौरव सेना के बारे में बताया और फिर पांडव सेना के भी योद्धाओं के बारे में उसने कुछ वर्णन किया है। जब पहले चैप्टर का अंत होने लगा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी बने हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के, जैसे ही वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके आए वो अर्जुन ने देखा कि कौरव सेना में जो कि उसकी विपक्षी सेना है जिससे उसको युद्ध लड़ना है उसमें उसके सारे सगे संबंधी ही लोग थे, उसके चाचा ताऊ मामा उसके भाई और उसके भतीजे ऐसे उनके मित्र, ऐसे अपने ही लोगों को सामने देखकर अर्जुन काफ़ी विचलित हो गया और उसके युद्ध करने की चेष्टा धीरे धीरे कम होने लग गई। यहाँ तक कि उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष भी गिर गया और वह खुद रथ पर गिर पड़ा, उसका कंठ सूखने लगा, उसके शरीर कांपने लगा, ऐसी बातों का वर्णन किया गया था फर्स्ट चैप्टर में। अब अर्जुन की इस बदहाल स्थिति को देख कर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहने वाले हैं, क्या ज्ञान देने वाले हैं ताकि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो सके, आइए अब हम जानते हैं वो सारी बातें यहाँ से चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग का फर्स्ट श्लोक पढ़ने जा रही हैं आस्था। और इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 10 श्लोक्स पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर के। ओके चलो स्टार्ट करते आस्था बेटा फर्स्ट चैप्टर। संजय वाच तम तथा कृपया विष्टिम सुपूर्णा कुलेशरम विषिदंती मिदम वाक्य मुवाच मधुसूदन। ओके सो गाइस यहाँ पे लिखा है कि संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। देखिए गाइस मैं आपसे लगातार कहते आया हूँ कि ये सारी घटनाएं संजय महाराज धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। ओके मेन कहानी में तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण है भागवत गीता में, बट इनडायरेक्टली ये सारी घटनाएं जो कुछ भी कुरुक्षेत्र में हो रही है वो संजय महाराज धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं संजय कि करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह बातें कही, मतलब ऐसी बातें जो अब हम अगले श्लोक में जानेंगे कि भाई अर्जुन तो काफी घबराया हुआ और दुखी था कि अपने ही लोगों को सामने देखकर उसे अपनों से ही लड़ना था, तो ऐसी स्थिति में जब वो घबराने लगा बहुत ज्यादा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा ये हम जानेंगे श्लोक नंबर 2 में। और ये श्लोक में हो रही है भगवान की एंट्री, भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है सो आस्था श्लोक नंबर 2। श्री भगवान नुवाच कुतस्वा कश्मल मिदम विश्मे समुपस्थितम अनारजिष्टम अस्वर्ग मकीर्ति कर्मार्जुनम। वेरी गुड सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं हे अर्जुन तुझे इस असमय यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध के क्षण में अचानक से आपके अंदर इस प्रकार की मोह माया कहाँ से उत्पन्न हो गई, क्योंकि यह ना ही आपको महान पुरुषों के गिनती में लाएगा, ना ही यह आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा और ना ही आप कभी कीर्ति वैभव और यश प्राप्त कर पाएंगे जीवन में अगर आपने युद्ध नहीं लड़ा तो। तो आप समझ रहे हैं कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अब जीवन के बारे में कुछ समझा रहे हैं कि आप एक महान योद्धा हैं, आपको अगर आप युद्ध नहीं लड़ते हो तो आपकी गिनती कभी श्रेष्ठ पुरुषों में नहीं होगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि आपने धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, और वहीं आप जीवन में कभी यश कीर्ति वैभव प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। कैब्यम मास्मा गमा पार्थ नैतत यु पपद्यते छुद्रम हिदौर बल्यम तक्तो तिष्ठा परंतप। ओके इसलिए हे अर्जुन, यानी ये वाक्य फिर से भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं तीसरा श्लोक कि इसलिए हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, हे परंतप
हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आपको यह कायरता बिल्कुल ही शोभा नहीं देती है, आप एक वीर योद्धा हो और आपको अब अपने हृदय से इस दुर्बलता को, इस कायरता को बाहर निकालना होगा और युद्ध के लिए तैयार होना होगा। समझ रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उस कायरता से पीछा छुड़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको अब ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार होने की जरूरत है, ना कि मोह माया और करुणा में पड़कर इस युद्ध से भागने की। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 4 में क्या है। अर्जुन उवाच, कथम भीष्म शंखे द्रोणम च मधुसूदन शुभि प्रत्युत्सामी पूजा हरवा वरिष्ठ। वेरी गुड। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, अब जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात कह रख ली है, तो अब अर्जुन उनका उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब समझ रहे हो, अर्जुन की भी भावनाएं काफी गहरी है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य वह गुरु हैं जिन्होंने अर्जुन को तीर कमान बाण चलाना सिखाया है, आप ही बता दीजिए, जिसने उसे बाण चलाना सिखाया है, क्या अर्जुन कभी अपने ही गुरु को तीर और बाण से मार कर गिरा पाएगा? वहीं भीष्म पितामह के बारे में भी वह वर्णन कर रहा है कि भीष्म पितामह उनके दादा लगते हैं रिश्ते में, और जिस दादा ने अर्जुन को बचपन से ही गोद में खिलाया हो, पाल पोस कर बड़ा किया हो। आप ही बता दीजिए कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, कैसे मैं ऐसे पूजनीय लोगों को मार सकूंगा? ऐसी बातें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मैं पूजा करता आया हूँ, और मैं ऐसे पूजनीय व्यक्ति को कैसे मार पाऊंगा युद्ध में, आप ही मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पर काफी समझदारी की बातें कर रहा है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 5 में क्या है हमारे लिए। गुरु न हत्वा ही महानुभवान श्रेयो भोक्तु भैक्ष्म पी लोके हत्वार्थ कामान संतु गुरु निय भुजनी भोगान रू द्रिपदी गद्धान। वेरी गुड। इसलिए, यानी ये लाइन फिर से अर्जुन ही कह रहा है, इसलिए इन महानुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सुने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि ऐसे महानुभाव, ऐसे गुरुजनों को मारकर, मैं ऐसे गुरुजनों को न मारकर, अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो मुझे यश कीर्ति वैभव प्राप्त नहीं होगा, राजपाट भी प्राप्त नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में मैं भिक्षा मांग कर भी अपना जीवन काट लूंगा, पर मैं ऐसे महान लोगों को नहीं मार सकता हूँ, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और वहीं वह कह रहा है कि अगर ऐसा मैंने सुना है बचपन से कि जो अपने गुरुओं की हत्या करते हैं या जो अपने गुरुजनों की हत्या कर देते हैं, उन्हें इस पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है, तो मैं ऐसे भोगों से भी बचना चाहता हूँ और मैं अपना जीवन भिक्षा मांग कर जी लूंगा, परंतु मैं अपने गुरु को और अपने दादा जैसे पूजनीय लोगों को नहीं मार सकता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं श्लोक नंबर 6 में क्या है। न चैद्विद्यम कतरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वाने जयेयु याने भत्वा न जीजी विषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। यह हम भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। यानी यह श्लोक 6 वाला अर्जुन फिर से भगवान श्री कृष्ण से ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि यह हम भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही मेरे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे महामुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे यहाँ तक ये भी नहीं अभी तक समझ में आया है कि मुझे ये युद्ध करना भी है या नहीं करना है, साथ साथ में इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, युद्ध ना करना जो कि बहुत बड़ी बात है भाई, दुनिया में अहिंसा सबसे बड़ी चीज है, दूसरी बात कि नहीं करने का मतलब है युद्ध ना करूंगा तो मैं धर्म की लड़ाई है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे परिवार के साथ, यानी यहाँ पे भी मैं गलत हूँ, यानी दोनों ही बातों से मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि मैं युद्ध करूँ या ना करूँ। ठीक है, और दूसरी बात अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि उन्हें यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि युद्ध में क्या होगा, क्या मैं जीतूंगा युद्ध या वो जीतेंगे, कौरव वाले जीतेंगे, और उसके साथ साथ वो कह रहा है
कि जिनको युद्ध में मैं मारकर, जिन्हें मुझे युद्ध में मारना है, वे तो मेरे खुद बड़े ही प्रिय हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, धृतराष्ट्र के काफी प्रिय है मेरे लिए। आप ही बता दीजिए हे गुरुवर, हे केशव, कि मैं ऐसे प्रियजनों को मारकर क्या यश वैभव का क्या करूंगा। ठीक है, सो अर्जुन की बातें भी काफी शालीन है, उसके मन में उठ रही दुविधा बिल्कुल ही जायज है अभी तक तो। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 7 में क्या है हमारे लिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पिच्छामि त्वां सर्वसंभु ढचेता यच्छ्रेव स्नानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं शाधी मात्वां प्रपन्नम्। इसलिए ये कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यानी श्लोक नंबर 7 फिर से अर्जुन ही कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से, क्या कह रहा है कि आप जो मेरे अंदर ये कायरता का रूप इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, और मेरे अंदर जो कुछ भी यह स्वभाव में आप परिवर्तन देख रहे हैं, इसको लेकर मैं काफी अभी भी कंफ्यूजन में हूँ, यानी मैं काफी भी अभी भी अनिश्चित हूँ कि क्या करूँ मैं। और हे केशव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए क्या कल्याणकारक होगा, क्या मेरे लिए सही होगा, इस बात का ज्ञान मुझे दीजिए। ठीक है, अर्जुन खुद कह रहा है कि मैं भयभीत हूँ, मेरे अंदर इस वक्त जो कायरता आप देख रहे हैं, इस स्वभाव के लिए मैं क्या करूं और मेरे लिए क्या उचित होगा, उस बारे में मुझे ज्ञान दीजिए, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा अर्जुन कह रहा है श्लोक नंबर 7 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आते हैं श्लोक नंबर 8 पे। नहि प्रपश्यामि मामा पन्नु दाद्यम यच्छोकमुक्षो षडाम इन्द्रियाणाम अवाप्यम भूवा वस्पन्नमृदं राज्य सूरानापमि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कठन धन धन संपान राज्यों को और देवताओं को स्वामी पने के प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर कर सके। यहाँ पे देखिए फिर से अर्जुन बहुत ही समझदारी से भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहा है कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया और यह भूमि यह धन वैभव सब कुछ अगर मेरा हो भी गया तो मैं उसमें कोई सुख नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो बहुत बड़ा दुख, अपने ही लोगों को मारने का जो दुख होगा मेरे अंदर, अपने चाचा ताऊ भाई भतीजों को मारने का जो दुख मेरे अंदर होगा, वह मैं कभी भी जीवन में दूर नहीं कर पाऊंगा। मेरी सारी इंद्रियों में उस बात का दुख का घाव इतनी गहराई से समाया होगा कि मैं इस यश वैभव, इस राजमहल जर जमीन धन से उस खुशी को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, जितना बहुत ज्यादा गम मुझे अपने लोगों को मार के प्राप्त होने वाला है। ठीक है, सो गाइस ये था हमारे श्लोक नंबर 8 में, और अब देखते हैं गाइस कि श्लोक नंबर 9 में क्या है हमारे लिए। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेशम परंतपम न योत्सहिति गोविंद मुक्ता तुषी भवु। अब यहाँ पे गाइस संजय उवाच, यानी देखिए अब संजय कह रहे हैं, मतलब संजय किससे कह रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र से, क्योंकि सारी कहानी वही देख रहा है दिव्य दृष्टि से, और महाराज धृतराष्ट्र से लगातार वो कहानी बता रहा है। क्या कह रहा है संजय, बोले हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यानी संजय ने वहां पे महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन जिसने निंद्रा को जीत कर, यानी नींद पे जीत प्राप्त कर जीवन में अपने आप को सबसे कुशल और सबसे वैभवशाली धनुधारी अपने आप को बनाया इतनी मेहनत से, वह अंतर्यामी श्री कृष्ण से, महाराज से, ठीक है, वह भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार की बातें कहकर, यानी कि जो पीछे 3-4 श्लोक में था वह कहकर युद्ध नहीं करूँगा यह बात स्पष्ट कर रहा है। यानी उसके अंदर जो मन में विचलन चल रही है अपनों को मारने को लेकर और अपने गुरुजनों को मारने है, उसे अपने परम पितामह भीष्म पितामह को मारना है, ऐसी बातों का दुख और करुणा रखकर अपने दिल में उसने युद्ध नहीं करूंगा ऐसी भावना भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दी है और वह अब चुप हो गया है। ऐसा श्लोक नंबर 9 में संजय महाराज धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर बता रहा है सब कुछ। ठीक है, और इस वीडियो का गाइस ये लास्ट श्लोक है, चैप्टर का नहीं, ना ही भागवत गीता का 10th श्लोक, और फिर हम श्लोक नंबर 11 से लेके 20 तक अगले पार्ट में देखेंगे।
आइए देखते हैं श्लोक नंबर 10 में क्या है। पहले तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारत सैन्योरु भयोर मध्य विषिदन्ति मिदं वचन। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये बात कौन कह रहा है? ये बात संजय फिर से महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अब अर्जुन ने तो अपनी बात कह ली कि भाई मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, कैसे ही अपने ही लोगों को मार पाऊंगा, ऐसी ऐसी भावनात्मक बातें कर अब वह भगवान श्री कृष्ण से बोलकर ये सारी बातें चुप हो गया है। तो अर्जुन यह बातें अब महाराज धृतराष्ट्र को संजय क्या कह रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी महाराज श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से हंसते हुए यह वचन बोले। अब भगवान श्री कृष्ण हंसमुख तो थे ही, और फिर अर्जुन की इस भय रूप भयशाला अवस्था देखकर उन्होंने हंसते हुए अर्जुन से कुछ कहा। अब वो क्या कहा ये बात हम श्लोक नंबर 11 में जानेंगे, और वहां से फिर हमारा अगला पार्ट आएगा। ठीक है, सो गाइज आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग कहानी अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है श्रीमद् भागवत गीता की। भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं अब इस पूरे खेल में, और यहाँ से सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। अर्जुन कुछ जीवन के बारे में जानना चाहेगा और भगवान श्री कृष्ण उसका विस्तार से और गहराई से उसका उत्तर देते हुए चले जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की वो शानदार बेहतरीन बातें जो हमेशा आप लगातार सुनते आए हो, वो सारी बातें अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाली हैं। जीवन को लेकर क्या क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उन सब का मूल मंत्र भागवत गीता में है, जिसका वर्णन हम धीरे धीरे करते हुए चले जाएंगे। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और लोगों तक ये बातें जा सके और ऐसी बेहतरीन बातें लोग अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी बता सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में श्लोक नंबर 11 से लेकर 20 तक। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।